मुंबई इंडियंस फैंस हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि आईपीएल 2018 निश्चित रूप से पिछले कई सालों का सबसे अच्छा आईपीएल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां हर मैच ऐसा हो रहा है कि जैसे सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा हो। आपको बता दें कि इस आईपीएल में किसी भी टीम को कमजोर समझना सामने वाली टीम की भूल हो सकती है। आज यही गलती मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ की है। मुंबई इंडियंस फैंस दिल्ली डेयरडेविल्स को मुंबई इंडियंस ने आज मैच में कमजोर समझा और एक बार को रोहित शर्मा ऐसा समझ रहे थे कि आज उन्होंने जो पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का स्कोर बनाया है उसको दिल्ली नहीं कर पाएगी। लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया है। खासकर जेसन रॉय की बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई दीवाना हो गया है। दिल्ली डेयरडेविल्स ने आज मुंबई इंडियंस को उसके घर में घुसकर 7 विकेट से हराया है। निश्चित रूप से इस हार को मुंबई इंडियंस पचा नहीं पा रही है, जो मैच पहली पारी के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था, वह दूसरी पारी खत्म होते होते दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ पूरी तरीके से चला गया। मुंबई इंडियंस के फैंस रोहित शर्मा की कप्तानी से काफी दुखी है और वह रोहित शर्मा को काफी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के खिलाफ एक अजीब सी आग निकाली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय रोहित शर्मा की कप्तानी से मुंबई इंडियंस के फैंस का भरोसा ही उठ गया है। रोहित शर्मा मैच हारने के बाद फैंस से माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस अपना 3रा मैच इस आईपीएल सीजन का हार गई है। यही कारण है कि लगातार रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं और 3रा मैच जो मुंबई इंडियन आराम से जीतती हुई नजर आ रही थी उसको हारने के बाद फैंस लगातार रोहित शर्मा को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से मुंबई इंडियंस के फैन नतीजे देखने के बाद आप काफी दुखी हो गए।